सर जो जानगंज का वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में बताइए। ये थाना जानगंज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके संबंध में सीओ मोहम्मदाबाद को जांच दी गई है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर उसमें वैधानिक कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। मानवाधिकार को ताक पर रखकर थाना अध्यक्ष जहानगंज ने लात घूसों की बारिश। खाकी की इज्जत खाक में मिलाते थाना अध्यक्ष देवेश पाल। जहानगंज पुलिस का वीडियो वायरल, चहुं और जहानगंज पुलिस की थू थू। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। सूत्रों की जानकारी अनुसार थाना जहानगंज के छिबरामऊ रोड पर जाम लग गया था तो थाना जहानगंज पुलिस ने जाम खुलवाने का नया तरीका अपनाया जो अब जनपद में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल थाना अध्यक्ष जहानगंज पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है जिसमें थाना जहानगंज प्रभारी देवेश कुमार पाल एक शख्स को बुरी तरह लात घूसों से मार रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि छिबरामऊ रोड पर जाम लग गया था, उस जाम को खुलवाने के लिए मौके पर पुलिस पहुंची जहां थाना अध्यक्ष देवेश पाल ने मानवाधिकार ताक पर रख दिया, या यूं कहें कि खाकी की इज्जत खाक में मिलाते हुए एक व्यक्ति को बीच बाजार सबके सामने लात घूसों से पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो को देख लोग तरह तरह की कमेंट भी कर रहे हैं। यदि आप भी कोई कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लौटेंगे दूसरी खबर में। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद। आइए देखते हैं थाना जहानगंज पुलिस का वह वायरल वीडियो। Thank you.